आंध्र प्रदेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, चंद्रबाबू नायडू चौथी बार उन्होंने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। चंद्रबाबू नायडू के साथ 24 मंत्रियों ने शपथ ली, पवन कल्याण ने ली उप मुख्यमंत्री की शपथ। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने गुलदस्ता देकर प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया, स्वागत किया, प्रधानमंत्री मोदी ने गले लगाया। शपथ ग्रहण समारोह में जेपी नड्डा और अमित शाह, नितिन गडकरी समेत कई दिग्गज भी शामिल हुए, कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के शपथ ग्रहण समारोह में साउथ की मशहूर हस्तियां भी शामिल हुई, रजनीकांत, मोहन बाबू, अल्लू अर्जुन समेत तमाम हस्तियां। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सियासी गलियारे में गर्मा गई सियासत। नायडू की शपथ में नहीं जाने पर बिहार सरकार में मंत्री जमा खान का बयान, नहीं जाने के कई कारण हो सकते हैं। जाना होगा तो सामने आएगा, नहीं जाना होगा तो कोई कारण होगा, कारण यही हो सकता है कि तबियत ठीक न हो, नहीं जाना चाहे, यही हो सकता है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने नीतीश के आंध्र प्रदेश नहीं जाने पर उठाया सवाल, कहा एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का जाना नहीं जाना ये उनका अपना मामला है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उड़ीसा में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, बीजेपी के मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेता शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों की तरह उड़ीसा में होंगे दो डिप्टी सीएम, केवी सिंह देव और प्रभाती परिदा डिप्टी सीएम। 6 बार के विधायक रह चुके केवी सिंह देव ने मुख्यमंत्री पद के लिए मोहन चरण मांझी के नाम का रखा प्रस्ताव, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नाम की घोषणा कर दी। विधायक दल की बैठक के बाद राजनाथ सिंह के साथ राजभवन पहुंचे मोहन चरण मांझी, राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के घर पहुंचे ओडिशा के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन मांझी। सरकार गठन के बाद एक्शन मोड में नजर आ रही प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट, नितिन गडकरी ने संभाल लिया कामकाज, तीसरी बार सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी। निर्मला सीतारमण ने संभाला कार्यभार, दूसरी बार वित्त मंत्रालय का पदभार। हर्ष मल्होत्रा ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री का संभाल लिया पदभार, शुरू किया कामकाज। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद केरल के टाली महाक्षेत्र के दरबार में पहुंचे सुरेश गोपी, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दिल्ली सरकार की क्लास, पानी की बर्बादी रोकने के लिए उठाए गए कदम पर शाम तक जवाब मांगा। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे राहुल गांधी, भव्य स्वागत। वायनाड और रायबरेली सीट को लेकर राहुल गांधी ने जताई अपनी दुविधा, केरल के लोगों से पूछा कहां दुविधा में हूं, क्या चुनूं, वायनाड या रायबरेली। राहुल गांधी ने कहा वायनाड के मतदाताओं का शुक्रगुजार हूं। राहुल गांधी ने वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री मोदी को मिली टक्कर का किया जिक्र, कहा मुश्किल से जीते हैं पीएम। राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा विपक्ष ने बीजेपी को झटका दिया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा मोदी का जादू खत्म हो चुका है। अरे भैया संभाल दिया योगी आदित्यनाथ, मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ मोदी जहां से चुनाव लड़े, बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, तीन तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। सांसद अफजाल अंसारी ने की मुख्यमंत्री योगी की तारीफ, का उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 30 सीटें योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर मिली। हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। बनारस से मोदी की जीत पर कांग्रेस नेता जयराम ने साधा निशाना, कहा मोदी जी के बनारस की जनता ने उनको नकार दिया, घंटों पीछे रहे और तिकड़म लगातार जीता।